मुझे पर्सनली ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। इस मूवी में बहुत छोटे छोटे सीन्स हैं, मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा, लेकिन जब वरुण धवन फ्लावर लेके आते हैं, जब अपनी फ़ोटो लगाते हैं उसके बेड के यहाँ पर, वो कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं ऑडियंस के साथ। ये मूवी मेरे हिसाब से हर किसी को अपनी फैमिली फ्रेंड्स किसी भी तरह देखनी चाहिए, बस मिस नहीं करनी चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया जब तक आज तक उसका नाम है कि वो एंटरटेन करता है, उसको खाली एंटरटेन करने आता है। ये मूवी एकदम अलग है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया उसने, एकदम हटके दिया, अपनी पर्सनालिटी से अच्छा परफॉर्मेंस दिया, एकदम अलग परफॉर्मेंस दिया है। एक बार सबको देखनी ही चाहिए ये मूवी। मेरे हिसाब से इस मूवी का डायरेक्शन सबसे ज़्यादा बेस्ट है, और स्टोरी, यू नो, स्टोरी बहुत ही एक सिंपल स्टोरी है, लेकिन जिस तरह से उसे दिखाया गया है, मूवी ज़्यादा लंबी भी नहीं है, सिर्फ 1 hour 55 minutes की है, एकदम कट टू कट, बहुत ही ब्रिलियंट डायरेक्शन है इस मूवी का। तो बनिता भी इसमें नजर आई है, जो अच्छी थी, केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी उनकी। बनिता भी ब्रिलियंट एक्टर है, बहुत अच्छी एक्टिंग है। उनका जो रोल था वो बहुत डिफिकल्ट रोल था मूवी में, जैसे उनको वो गिर जाते हैं 4 floor से 30 feet से गिरने का सीन है, उसके बाद जो उनको रिकवरी दिखाते हैं, बहुत डिफिकल्ट पार्ट है वो सब करना, छोटे छोटे एक्शंस, आई बॉल हिला रहे, ये कर रहे, खाली हल्की सी मूवमेंट, बहुत डिफिकल्ट है, उन्होंने वो बहुत बखूबी से निभाया है वो पार्ट। हम वरुण धवन के बहुत बड़े फैंस हैं, तो हमें ट्रेलर लॉन्च पे भी इनवाइट किया गया था, तब हम सब ये टी शर्ट मिली थी, तो आज हमने सोचा आज अक्टूबर डे है तो क्यों ना पूरी दुनिया को दिखाया जाए कि हम कितने एक्साइटेड हैं अक्टूबर के लिए। तो अपने दोस्तों को भी रेफर करेंगे फिल्म देखने के लिए? डेफिनेटली, मैं हर एक मेरे फ्रेंड, मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ये मूवी मिस मत करना। और तो पाए कितने स्टार देंगे आप? 4.5 stars। 5 out of 5 stars। थैंक यू सो मच। कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी थी, बेस्ट आज तक की बेस्ट फिल्म वरुण धवन की। तो एक्टिंग की बात कीजिए, वरुण की एक्टिंग के बारे में क्या कहना? बहुत अच्छी की है एक्टिंग, एक्चुअली उन्होंने ग्रो किया बहुत, मतलब ये फिलहाल के लिए तो बेस्ट एक्टिंग थी उनकी, बट इससे पहले वो इतना ग्रो नहीं किए थे, बट अभी अच्छा अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा किया। कॉमेडी के लिए माने, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे? वरुण की तो फैन हूँ मैं, उसकी एक्टिंग कुछ नहीं देखना, सिर्फ उसको देखना, एक्टिंग तो सब कर लेता है, पर मैंने फोटो ही नहीं खींच पाई, सेल्फी नहीं लेने मिला, ना हक कर पाए, कुछ भी नहीं हुआ, अभी नेक्स्ट टाइम सुविधा का। तो फिल्म पर आते हैं, अक्टूबर कैसी लगी? बहुत अच्छी, स्वीट एंड सिंपल। बनिता कैसी लगी? बनिता बहुत अच्छी थी, बनिता की एक्टिंग बहुत अच्छी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी केमिस्ट्री, बहुत जम रही दोनों की, उन्होंने और आगे फिल्म्स करनी चाहिए। ऑफकोर्स करेंगे, एक्चुअली हमारा बहुत, मैं तो अपने फैमिली के साथ भी आऊंगा, एक्चुअली हमारा बहुत बड़ा ग्रुप आया था, कुछ लोग आगे चले गए। तो आउट ऑफ 5 कितने स्टार देना चाहेंगे आप? आउट ऑफ 5 3.5 थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो हाउ वाज इट, कैसी लगी फिल्म? बहुत ही ज्यादा अच्छी है, फिल्म में बहुत सारे पार्ट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। वरुण एंड बनीता का परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड, वेरी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय बोथ द एक्टर्स। तो अगर डायरेक्शन की बात करी जाए तो किस तरह का डायरेक्शन लगा? शुजित सरकार सर इज़ अ फैबुलस डायरेक्टर, देयर इज लाइक नथिंग वी कैन से अबाउट, ही इज़ आउटस्टैंडिंग, डायरेक्शन इज सुपर्ब। फिल्म की बात करी जाए तो सुना गया है ये अलग लव स्टोरी है, जी किस तरह की लव स्टोरी, आप किस तरह? ये लव स्टोरी नहीं है, इट्स अ स्टोरी अबाउट लव, तो आप जब एक्सपीरियंस करेंगे आपको पता चलेगा, आप महसूस कर पाएंगे फिल्म को कि व्हाट एग्जैक्टली डैन एंड जूली हैव वेंट थ्रू। सब आप कनेक्शन विद द फ्लावर्स इज आल्सो वेरी गुड, सो यू हैव टू एक्सपीरियंस अक्टूबर, इट्स अ फैबुलस फिल्म। देखा गया वरुण की हमेशा सीधा कॉमेडी के नोट में नजर आते हैं, इस बार थोड़ा सीरियस नोट में है, तो किस तरह ढल पाए? शो स्टीलर मे बी, ही इज गोइंग टू, ही हैज स्लेड इन द फिल्म, ही इज आउटस्टैंडिंग, लाइक हम लोग नॉर्मली एनर्जेटिक वरुण को देखते हैं, ही इज वेरी काम, वेरी सटल एक्टिंग, वेरी मैनी, ही जस्ट प्रूव दैट ही कैन डू ऑल काइंड्स ऑफ रोल। अक्सर देखा गया है आलिया के साथ इनकी केमिस्ट्री बहुत ही जी, बनीता के साथ इनकी केमिस्ट्री कैसी? बनीता के साथ भी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, प्रमोशन में भी, इनफैक्ट आई सॉ द इंटरव्यू, सो काफ़ी दे आर गेटिंग वेल, वेरी वेल अलॉन्ग, सो दे आर वेरी क्यूट टुगेदर। उन्होंने सरप्राइज भी किया ऑडियंस को, अपने फैंस को थिएटर में, जी दैट वॉज अ फैबुलस एक्सपीरियंस, एंड लाइक वो उनके फैंस को इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं, वो आउट ऑफ द वे जाके उनको लाइक एक्नॉलेज करने की कोशिश करते हैं, ही इज़ वेरी हम्बल, वेरी वेरी जेन्युइन। या बॉलीकॉन की तरफ से आई एम द लाइक ऑफिशियल प्रेजिडेंट फॉर बॉलीकॉन.in, सो
Varun himself gave me the certificate, so I was very happy about it. Yeah, definitely. I'm going to come again tomorrow this time. Out of 5, how much would you like? 4.5. Actually, full 5, but it's like I'm a fan, so I'm saying so I'll give 4 out of 4, 4.5. Thank you so much. Thank you. Thank you. पिक्चर तो बहुत अच्छी लगी क्योंकि वो कुछ मेरी ज़िंदगी से भी जुड़ी हुई है तो पिक्चर तो मैं कभी जाती नहीं हूँ मेरे 53 एज हो गई है थिएटर बच्चे लोग बहुत बार बोलते हैं कि थिएटर चलो लेकिन मैं तो जाती नहीं हूँ लेकिन बोला मम्मी ये आपके कुछ ज़िंदगी से जुड़ी हुई है चलो तो इसीलिए मैं भयंदर से इधर तक पिक्चर देखने के लिए आई तो मैंने पिक्चर तो देखा और रियली बहुत अच्छी लगी मुझे मेरे ज़िंदगी से ही जुड़ी हुई है क्योंकि मेरे दो बच्चे हैं दोनों बच्चे हैंडीकैप हैं लेकिन मैं हैंडीकैप नहीं समझती लेकिन दुनिया हैंडीकैप समझते हैं उनको मैंने अच्छा पढ़ा लिखा के पोस्ट ग्रेजुएट बना के अच्छे से सेट कर दिया है तो इसीलिए पिक्चर बहुत ही अच्छी लगी मुझे और मैं वरुण धवल से भी मिली उनके साथ फ़ोटो भी खिंचाया अभी ये एज में मैं फ़ोटो भी खिंचाया लेकिन वो तो मेरे बेटे जैसा है लेकिन स्वभाव में भी बहुत अच्छा है मेरे साथ बातचीत भी किया और मुझे बहुत ही अच्छी लगा सब चीज़ अच्छी लगी एकदम एक कहानी एकदम सा बहुत अच्छी सी एकदम धीरे से चल रही है वैसी कहानी है हमको भी समझ में आया लेकिन बहुत जैसे पिक्चरें रहती हैं तो कुछ समझ ही नहीं पाते हैं लेकिन ये पिक्चर ऐसे है कि हम लोग और लोग भी समझ गए और अच्छा लगा बच्चों के साथ बैठ के मैंने देखा तो मुझे भी कुछ नहीं लगा बहुत ही अच्छा लगा ऐसा जब आपको वरुण मिले क्या बातचीत हुई क्या कहना चाहेंगे बस वरुण जी मिले समय तो बहुत कम रहता है क्योंकि उन लोग टाइम उनके पास कम रहता है फिर भी मैंने बोला कि आपकी पिक्चर मुझे बहुत ही अच्छी लगी कुछ वो मेरे लाइफ से ही जुड़ी हुई है तो हाँ आंटी ऐसा कुछ मेरे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के अपने हाथ में रखा बोला ये तो सही कहीं किसी भी इंसान के साथ हो सकता है कोई बर्थ से हैंडीकैप होता है कोई एक्सीडेंट के बाद हो जाता है या कोई बुढ़ापे में विकलांग बन जाता है माने विकलांगता तो इंसान के उसमें है ही लेकिन आदमी समझ नहीं पाते आजकल के लोग समझते नहीं हैं लेकिन ठीक है समझ जाएंगे वो समय जाते समझते हैं आपका क्या नाम है मेरा नाम प्रमोद पटेल है कैसी लगी फिल्म आपको फिल्म मुझे बहुत ही अच्छी लगी कुछ हटके फिल्म लगी ये एक मैं लव स्टोरी नहीं बोलूँगा ये एक लव स्टोरी के माध्यम में एक मैसेज है आम जनता को कि हमें सब लोगों में कुछ ना कुछ कमियां रहती हूँ उसको कैसे लोग देखते लोगों की नज़रिया क्या रहता है और वो उससे चैलेंजेस को फेस करके कैसे आगे बढ़ते उस तरह की फिल्म है तो मैं चाहूँगा सब ऑडियंस जाके देखे एक बार नहीं 10 बार देखे और खुद को मोटिवेट करें सो वरुण के आप कितने बड़े फ़ैन हैं मैं वरुण का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उसके फर्स्ट मूवी से मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ उसके स्टूडेंट ऑफ द ईयर से मैंने उसको फॉलो किया है और उनका मैं बोलूँगा तो मैं उससे ये पिक्चर से मैंने बहुत प्रभावित हुआ है और मैं चाहूँगा कि सब लोग इस मूवी को देख के कुछ ना कुछ सीखे और हम मतलब सब में कुछ कमियाँ रहती वो कमियों को नज़रअंदाज करके उसे प्रोत्साहन करें so, lastly, आप वरुण से मिले कैसा लगा आपको मिलकर वरुण से मिल के मेरा एक ड्रीम कम ट्रू हुआ कि मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं वरुण धवन से फेस टू फेस मिलूंगा और उनसे बात करूंगा और मैं ऐसा सोचता था कि सब सेलिब्रिटी इस लोग मतलब उन्हें इतना टाइम नहीं मिलता लोगों से बात करने के लिए नॉर्मल लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता उनके पास समय नहीं रहता उनका बिहेवियर देख के मैं खुद ऐसा लगा कि मैं एक फ्रेंड से बात कर रहा हूँ और वो मतलब ऐसे बात कर रहे थे कि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के साथ बात कर रहा है अभिषेक दुबे कैसी लगी फिल्म आपको अच्छी लगी वरुण की एक्टिंग आपको कैसी लगी अच्छी लगी बनीता जो फिल्म की एक्ट्रेस है उनके साथ उनकी केमिस्ट्री कैसी लगी आपको अच्छा लगा और मिले उनसे क्या बातचीत हुई आपकी कुछ भी नहीं हुआ क्या कुछ आपसे फोटो लिया उन्होंने हाँ लिया
आपका एक सपना पूरा हो गया। हाँ हो गया। ओके थैंक यू सर। थैंक यू। क्या नाम आपका? नितेश गुप्ता। सो कैसी लगी फिल्म आपको अक्टूबर? अच्छी लगी। एक्टिंग कैसी लगी वरुण की? क्या चीज़ अच्छा लगा आपको फिल्म में? उसको मस्त लगा। गाने कैसे लगे आपको? अच्छे लगे। वरुण ने आपके साथ फोटो भी खिंचाई तो कैसा फील हुआ आपको? बोला जोर के। थैंक यू। हाय ब्रदर, क्या नाम है आपका? अली। सो कैसी लगी फिल्म? नीचे। वरुण से मिलके कैसा लगा? नीचे। अब फिर देखना चाहेंगे फिल्म? हाँ। ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू। सोना दंडवते। आपने देखी? हाँ देखी, देखी बहुत अच्छी लगी। आप इन बच्चों के बीच में रहते हैं, आप उन सभी के बीच में, तो किस तरह आप यहाँ पे आए और किस तरह इनविटेशन मिला उसके बारे में जरा बताइए। बहुत अच्छा लगा, इन लोगों के साथ रहते मिलजुल के रहते तो बहुत अच्छा लगता है। इनको भी अच्छा लगा यहाँ पे आने के टाइम पे, इनके साथ इन्होंने मौका दिया दिव्यांग कला ने, तो बहुत अच्छा लगा। वरुण से क्या खास आपको अलग लगा फिल्म में, क्या कुछ कहना चाहिए उसके बारे में? आपको बात हो रही है तो उसमें किस तरह रिलेटेड है उसके बारे में? मतलब कैसे अभी दिव्यांग कला में लाया तो बहुत अच्छा मतलब लगा, और जुड़ी बात तो वरुण धवन से जो उसने मतलब हेल्प किया उसके साथ, वो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। फिर देखने जाएंगे आप फिल्म? हाँ हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं, बहुत अच्छी लगी। एक बार किस तरह फिल्म लगी आपको? मुझे फिल्म, मैं खास करके फिल्म देखने को नहीं जाता हूँ, मगर आज मुझे हमारे बच्चे लोगों ने इंसिस्ट किया कि ये फिल्म देखो और कुछ इसमें कुछ दिव्यांग कला के बारे में या कोई डिसेबल लोगों के बारे में भी कुछ दिखा है, तो मुझे कुछ ऐसा उम्मीद जागी कि मैं जाऊं उनके साथ देखूं शेयर करूं। और आज ये फिल्म देखकर मुझे ऐसा लगा कि लोगों के ऊपर जो भी कुछ बीतती है वो नॉर्मल ढंग से भी जी सकता है और उनको आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई चीज़ का मतलब ज़रूर पड़ती है, सपोर्ट मिल ही जाता है। और इसमें दिव्यांग लोगों के बारे में कुछ ज़्यादा ही कुछ मतलब बताया है कि कुछ करने से कुछ हो सकता है। और बाकी फिल्म तो मुझे अच्छी लगी। वरुण की एक्टिंग कैसी लगी बनीता के साथ? वरुण की एक्टिंग बहुत ही अच्छी लगी मुझे, और मैं भी मेरे लाइफ में ऐसा सोचा नहीं होगा कि ऐसे कलाकारों को और हम पर्सनली मिलकर बात करेंगे, मगर आज मिलकर इतनी खुशी हुई कि उन्होंने इंटरेक्ट जो किया हमारे साथ, हमारे साथ फ़ोटो निकाला और हमारे दिव्यांग कला बच्चे लोगों के साथ शेयर किया, वो मुझे बहुत ही खुश हुआ, मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। वरुण के आपने इसके पहले फिल्म देखी? वरुण की कोई? वरुण की पहली फिल्म ये मैंने देखी और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आगे मैं उनकी सभी फिल्म देखूंगा जरूर। थैंक यू सो मच। या कैसी लगी फिल्म? फिल्म बहुत ही बढ़िया था, और सच में ऐसी मूवी अभी जो जनरेशन चल रहा है ऐसी मूवी काफ़ी कम होते जा रही थी, लेकिन अब मुझे ये मूवी देख के ऐसा लग रहा है कि इट इज़ रियली अ ग्रेट मूवी। मतलब ऐसी मूवी होनी चाहिए, ऐसी मूवी निकालनी चाहिए जो प्रैक्टिकली जो सच में प्रैक्टिकली हो, प्रैक्टिकल हो, रियलिटी हो, और थोड़ा सा इसमें हम बोलते ना कि आजकल के फिल्म में मसाला होता है, लेकिन ये मूवी में जरा भी ऐसा नहीं था। ये मूवी में जो वरुण धवन ने जो डैन का जो रोल प्ले किया था, इट वाज लाइक हम जो नॉर्मल लाइफ में जो करते आ रहे हैं वही है, लेकिन जो सोच है आज वो सोच की वजह से हमें, जो डैन की जो सोच है वो सोच हम सब में आनी चाहिए। मतलब लाइफ इज़ वेरी, हम लोग हर चीज़ को इग्नोर करते हैं। आज मुंबई में मैं रहता हूँ, बहुत चीज़ें ऐसी है जो इंसान इग्नोर करता है कि भाई मतलब देख के भी गलत है, उसे पता है, उसका मन दिल बोल रहा है लेकिन वो उस पे रिएक्ट नहीं करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी से काफ़ी जो सच में जो मूवी देखना चाहता है, जो मूवी के लिए जो मूवी में हम ढूंढते हैं, इस मूवी में आपको ज़रूर मिलेगा। यस श्योर, मैं वरुण का फ़ैन रहा हूँ और स्टूडेंट ऑफ द ईयर
जो कि उसमें बहुत ही अच्छा रोल था, और जो हाल ही में अभी एक मूवी उनका जुड़वा, उन्होंने टोटली अलग प्ले किया था। मुझे नहीं पता था कि इस मूवी में जो डैन का रोल था इट वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम जुड़वा, बट दिस इज़ लाइक अब मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं, वरुण इज़ गेटिंग वेरी मतलब बहुत ही कड़क एक्टर है अभी तो, ऐसा लग रहा है। 5 out of 5, sure, I'm sure.